आपके अपने इलाके की खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। IHRO संस्था के जिला अध्यक्ष एवं पार्षद जगपाल सिंह ने आज फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्य कर रही हरसर पनाल पंचायतों की सात आशा वर्कर को फेस शील्ड N95 मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि वितरित किए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष व पार्षद जगपाल सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन समय में आशा वर्कर कोरोना पीड़ितों की घर द्वार मदद कर रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आज IHRO संस्था की ओर से दो पंचायतों में कार्यरत आशा वर्कर को फेस शील्ड N95 मास्क व सुरक्षा उपकरण वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस दौरान आशा वर्कर, पुलिस कर्मचारी व सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा के रूप में अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इसके संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें सभी को एकजुट होकर सरकार के कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें, मास्क पहने और हाथों को बार बार धोएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ सुपरवाइजर बीना शर्मा ने आशा वर्कर को सुरक्षा उपकरण भेंट करने पर पार्षद व जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह का धन्यवाद किया। इस मौके पर मेल हेल्थ सुपरवाइजर राजकुमार अत्री, पंचायत प्रधान ममता चौधरी, आशा वर्कर संजोक्ता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, अंजना कुमारी, सुषमा देवी, रीता देवी व सुनीता कुमारी आदि मौजूद रही। मानवाधिकार संगठन की तरफ से जो हमने कार्य चलाया हुआ है, आशा वर्कर को हम जो है अपनी शील्ड, हैंड सैनिटाइजर और जो है अपना मास्क और दस्ताने वगैरह जो हम वितरित कर रहे हैं। और ये जो कार्य हुआ आज हमने हरसर और पंडालपुर की जो आशा वर्कर हैं उनके लिए किया हुआ है, और ये सिलसिला जो है वो आगे भी चला रहेगा। जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे आशा वर्कर को मटीरियल की जरूरत पड़ती रहेगी उनको जो है वो मटीरियल जो है वितरण किया जाएगा। आज हमारा यहाँ पे पंचायत हरसद में कैंप है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ज्वाली के पार्षद श्री जगपाल सिंह जी यहाँ पे आए हैं और इन्होंने फेस शील्ड, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह हमारी आशा वर्कर को वितरण किए। बहुत अच्छा लगा ये देख के। और आज हमारी आशा वर्कर सभी फेस शील्ड बैठ के बैठे हैं, तो चलो इनके लिए भी अच्छा है और जैसे दूरी के लिए भी अच्छा है और कोई अपने बचाव के लिए भी ठीक है। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और हार्दिक दिल से इनका स्वागत करती हूँ।